और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ नमकीन सेवैया भाई, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया भाई, बनाना पड़ेगा पहले तभी करेंगे ब्रेकफास्ट। तो आप लोगों ने किया कि नहीं? तो आप लोग नमकीन सेवैया कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी आप लोगों से सीखूँ कुछ भाई। क्या पता मैं सही ना बनाती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा वही सही बनाती हूँ कि नहीं। और नहीं बनाती तो भी बताइए, और अच्छा बन रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बगल में जो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस करिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमकीन सेवैयाँ बनाने के लिए सेवैयों को पहले मैंने बॉईल कर लिया है इसको, और छलनी में पानी इसका निकल जाएगा, मैंने इसलिए छलनी में इसको डाल दिया है। और यहाँ पे सेवैयाँ बनाने के लिए मैंने आलूओं को काट लिया है, तो मैंने दो आलू लिए हैं और दो प्याज है बड़े बड़े, और यहाँ एक हरी मिर्च है और एक करी पत्ता है, एक पूरी लीफ और एक नींबू है, मूंगफलियाँ ले रखी हैं और राई तड़के के लिए ले रखा है मैंने, और नमक स्वाद अनुसार लेना है। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में मेरा रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाएगा, तो फिर मैं एक डाल के चेक करूँगी कि मेरा गरम हुआ कि नहीं अच्छे से। अब ये गरम हो गया तो मैं इसमें राई के दाने डाल दूँगी, राई के दाने मेरे चटक जाएंगे, उसके बाद मैं प्याज इसमें ऐड कर दूँगी और करी पत्ता। तो प्याज को मुझे ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है लेकिन हल्का ब्राउन करना है इसमें, प्याज और हरी मिर्च और करी पत्ते भी आप इसी में ऐड कर दीजिए, और इन सबको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो जब हल्के से फ्राई लगे ब्राउन हो गए तो मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी, तो आलू को भी मुझे अच्छे से फ्राई कर लेना है, एकदम इसी तेल में ही पका लेना है आलूओं को मुझे, वरना सेवैयाँ डालने के बाद नहीं पकेंगे, इसमें पानी नहीं पड़ेगा, तो इसी तेल में ही हमको रिफाइंड में ही पकाना है आलू को। तो आलू को अच्छे से पक जाने तक इसको पकाएँगे हम। गाइज आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे, और गाइज आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट भी ज़रूर करिए आप लोग। और बस मेरे आलू अगर थोड़े से पकने लगेंगे तब मैं इसमें मूंगफली भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे मूँगफली भी इसमें अच्छे से पका लेनी है मूँगफली को। वैसे मेरी मूँगफली पहले से भुनी हुई है, ये आपके पास कच्ची मूँगफली है तो आप उसको अलग से ऑयल में फ्राई कर लीजिए, तो मेरी भुनी हुई थी तो इसलिए मैंने नहीं अलग से फ्राई किया है, इसमें ही डाल दिया, लेकिन ये है कि काफ़ी दिनों से रखी रहती है तो थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती, तो इसी में ऑयल में मेरी मूंगफली भी पक जाएगी। और फिर मैं इसमें नमक डाल दूँगी, थोड़ा नमक थोड़ा नहीं, स्वाद अनुसार डालना है हमको, आप जैसा खाते हो कम ज़्यादा वैसा खाइए, वैसा ही डालिएगा आप लोग। और नमक डालने से क्या है, थोड़ा आलू हमारे जल्दी पक जाएंगे, तो बस मेरे आलू भी पक गए हैं, तो मैं इसमें अभी जो मैंने बॉईल की हुई सेवैयाँ हैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे से करीब 2 मिनट तक खूब अच्छे से चलाते हुए पकाना है, और फिर हमको पकाने के बाद लास्ट में इसमें नींबू ऐड कर देना है। तो बस हमारी सेवैयाँ बन गई, आ जाइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा गाइस, नहीं किए हैं तो। तो बस आज के लिए इतना ही,